इस 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वाधीनता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर सरकार ने हर घर तिरंगा ये उपक्रम घोषित किया है। इस उपक्रम के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर अपनी अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा हर घर लहराना है। पर इसे लहराते समय तिरंगे का कहीं अवमान न हो, ये बात जरूर ध्यान। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूकता रैली संपूर्ण देश में निकाली जा रही है। इसी संदर्भ में आज बेड़ो प्रखंड अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। बेड़ो प्रखंड के पुरियो पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पंचायत के मुखिया नीरज कुजूर व शिक्षकों की अगुवाई में जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं बेड़ो प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय असरों में शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही एकल अभियान बेड़ो संच एवं भाजपा के संयुक्त तत्वावधान में बेड़ो सरस्वती विद्या मंदिर से तिरंगा जागरूकता रैली जामटोली रोड होते हुए देवी मंडप तक तथा देवी मंडप से महादानी मैदान तक निकाली गई। रैली में मुख्य रूप से एकल अभियान ग्राम स्वराज मंच के प्रमुख जय कुंवर यादव, एकल अभियान संच अध्यक्ष बेड़ो डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री बानी कुमार राय, सांसद प्रतिनिधि राकेश भगत, धनंजय कुमार रॉय, भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक मिश्रा, राजीव रंजन अधिकारी, लाल प्रेम प्रकाश नाथ सहदेव, बलराम सिंह, मोती साहू, अनूप साहू समेत एकल संच के आचार्य आचार्य उपस्थित थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोई की रिपोर्ट। चलिए